ब्रोकली, ब्रोकली बहुत ही फ़ायदेमंद सब्जी होती है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर इसे सही ढंग से बनाया जाए तो ये हमारे शरीर को भी बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। फ्रेंड्स, बहुत कम लोग हैं जो ब्रोकली बनाकर अपने घर में खाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को तो ब्रोकली बनाना भी नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी ब्रोकली की एक सिंपल सी सब्जी को आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माही खाना खजाना में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक ब्रोकली लिया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, कटिंग करने के लिए हम इसके ऊपर के सिरे को नाइफ से ऐसे ही सीधे सीधे कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने सीधे सीधे ऐसे ही ब्रोकली, जैसे हम गोभी के फूल को कट करते हैं, ऐसे ही कट कर दिया है। सारी ब्रोकली को हम ऐसे ही अलग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अलग करने के बाद ब्रोकली के जो पीसेज हैं उसको हम छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ज़्यादा बारीक हमने ब्रोकली को नहीं करना है, हल्का सा लंबा लंबा ऐसे ही इसमें कट लगा देना है। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए, मैंने सारी ब्रोकली को अच्छे से कट कर दिया है। फ्रेंड्स, इसके बाद आती है ब्रोकली की डंठल की बारी। डंठल में जो मोटे मोटे स्लाइस है इनको अलग कर देंगे और इसके हर एक पार्ट को हम बिल्कुल अलग कर देंगे। उसके बाद जो बीच का, जैसे हम गोभी की डंठल गोभी में ऐड करते हैं, उसी तरह से ब्रोकली की जो सॉफ्ट डंठल होगी उसको हम ब्रोकली में ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ब्रोकली की सॉफ्ट डंठल को निकाल के मैंने उसको ब्रोकली के साथ ही कट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए, हमारी ब्रोकली की कटिंग अच्छे से हो गई है। फ्रेंड्स, ब्रोकली को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसे बॉईल करना होता है। बॉईल करने के लिए कढ़ाई में पानी रखेंगे, उसके ऊपर हम किसी भी छलनी को ऐड करेंगे और उसके ऊपर ब्रोकली को रखेंगे। हमें सीधे पानी में डालकर ब्रोकली को नहीं बॉईल करना है और इसके ऊपर एक प्लेट से कवर कर देंगे। 5-10 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारी ब्रोकली अच्छे से पक गई है। तो फ्रेंड्स, चलिए लिड को हटा के देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारी ब्रोकली बहुत ही अच्छे से पक गई है। एक पीस को निकाल के उसको करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारी ब्रोकली अच्छे से पक गई है। अब हम इसे एक स्ट्रेनर में छान लेते हैं। वापस से हम वही कढ़ाई गैस पर रखते हैं और उसमें मस्टर्ड ऑयल डालते हैं। आप जिस भी ऑयल में इसे बनाना चाहते हैं उस ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑयल का यूज़ हमें बहुत कम करना है, क्योंकि हमारी ब्रोकली पहले से ही बॉयल हो चुकी है। जैसे ही हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, हम इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, 2 तेज़पत्ते को ऐड करेंगे, 1 बड़ी इलायची को ऐड करेंगे और थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से तड़कने देंगे और 1 सूखी लाल मिर्च को भी हम इसमें कट करके ऐड करेंगे। और जैसे ही हमारी ये सारी चीज़ें अच्छे से बढ़ जाए, 1 बारीक प्याज को चॉप करके ऐड करेंगे और 2-4 लहसुन की कलियों को भी हम इसी टाइम चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें थोड़ी देर के लिए बहुत ही अच्छे से भून देंगे। फ्रेंड्स, हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा पिंक करना है। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए, हमारी प्याज लहसुन अच्छे से भुन गए हैं। अब हम यहाँ पर टमाटो, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा था उसको ऐड करेंगे और उसको भी सभी मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारे सारे मसाले टमाटर की ग्रेवी में अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें 1 आलू को मोटा मोटा चॉप करके ऐसे ही इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो आलू को स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए, मैंने यहाँ पर 1 आलू डाल दिया है। अब हम इसको भी टमाटर के साथ यहीं पे अच्छे से सॉटी कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करते हैं, जैसे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और अपने मसालों के साथ टमाटर को अच्छे से मिक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए, हमने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और इनको यहीं पे पका लिया है। अब हमने जो ग्रेवी, फ्रेंड्स, इसके बाद हमने जो ब्रोकली बॉईल करके रखी थी उसको हम अपनी कढ़ाई में ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए, मैंने सारी ब्रोकली को कढ़ाई में ऐड कर दिया है और हम ब्रोकली को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, आप एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और आप इस तरह से ब्रोकली को बनाएंगे तो घर वाले आपकी तारीफ़ ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए, मैंने सारे मसालों के साथ ब्रोकली को अच्छे से मिक्स कर दिया है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस सब्ज़ी को सूखी भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इस सब्ज़ी को ग्रेवी वाला भी बस बना सकते हैं, जैसा आप पसंद करें वैसी ब्रोकली को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए, ब्रोकली सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इस स्टेज में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करते हैं। तो फ्रेंड्स, नमक ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे।
और पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि पानी हमारी ब्रोकली और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स ये लीजिए, हमने सारी ब्रोकली को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है और लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे जिससे हमारी ब्रोकली का फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम इसको एक लिड से कवर करेंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। फ्रेंड्स चलिए कढ़ाई की लिड को हटा के देखते हैं और अपनी सब्जी को चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स ये लीजिए, हमारी ब्रोकली की सब्जी बनके तैयार है। रोटी, पूड़ी, पराठा, नान आप किसी के साथ भी इसको खा सकते हैं। चावल के साथ तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करते हैं और उसको भी सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स ये लीजिए, मैंने हरे धनिया को पूरी सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम ब्रोकली की प्लेटिंग करते हैं, एक प्लेट लेते हैं और ब्रोकली को प्लेट में सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ये लीजिए, हमारी ब्रोकली की सब्जी बनके तैयार है। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।